हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जगह है फरीदाबाद और आज मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया के सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। जी हां, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है दोस्तों, और इंडिया में पहली बार एक ऐसी लाइन बनाई जा रही है इंडियन रेलवे द्वारा जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ने वाली है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां से थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा यानी कि 10 किलोमीटर तो हम और आप यूपी यानी कि दादरी पहुँच जाएंगे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के दादरी से ये स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट के ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है एलएनटी, और एलएनटी ने फरीदाबाद और उसके आसपास जो पटरियों को डालने का काम है वो तो कर दिया है भाई। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो आ जाएगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जहाँ पर यमुना नदी को ये क्रॉस कर रही है लाइन, और यमुना नदी को जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाता है। उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पटरियों को डालने का काम किया जा रहा है। दो ट्रैक होने वाले हैं, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, डबल डेकर मालगाड़ी यहाँ से गुजरने वाली है। वैसे इस जगह पर देखोगे तो कहोगे कि भाई यहाँ पर तो ट्रैक दो से ज़्यादा है, वो भी बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर दो से ज़्यादा ट्रैक हमें और आपको देखने को मिलते हैं। भारत में पहली बार एक ऐसी लाइन बनाई जा रही है जिसके ऊपर से यानी कि इन पटरियों के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगी, और वो भी डबल डेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना सारा सामान ये अपने साथ लेकर जा सकता है। और इसका जो ट्रेन होने वाला है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाला है, इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है यानी कि ये जो पोल है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो बहुत सारा काम किया जा रहा है तो वो आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो तो भाई ये ट्रेन का इंजन नहीं है, ये एक्चुअली मशीन है और एलएनटी कंपनी की ये मशीनरी है सारी, क्योंकि एलएनटी की टीम ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है और 50,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। आप इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कहाँ से स्टेशन का हिस्सा स्टार्ट होने वाला है और कहाँ से फिर ये नॉर्मल यानी कि दो ट्रैक होने वाला है। तो जहाँ पर सिंगल आपको ये पिलर दिखेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ये जो पोल दिखेगा तो वहाँ से नॉर्मल ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जहाँ पर स्टेशन का हिस्सा स्टार्ट होता है वहाँ पर कुछ इस तरीके का यानी कि ये जो देख रहे हो यू शेप का, इस तरीके के खंभे आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे 2 किलोमीटर हिस्से पे, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन बनाया जाना है। सामने अगर आप देखोगे तो आपको एक पावर स्टेशन देखने को मिलेगा, और वो पावर स्टेशन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर ये जो ट्रेन है जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाला है तो उसको पावर सप्लाई दी जा सके। इसी वजह से एलएनटी या फिर आपको कहूँ तो इसी वजह से इंडियन रेलवे ने यहाँ पर स्टेशन से ठीक पहले एक पावर स्टेशन पूरा सेटअप किया है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही हेवी ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाए गए हैं, और इस जगह पर पावर लाइन जो आनी है उसका काम तो नहीं हुआ है, यानी कि इस जगह पर केबल डालने का जो काम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस जगह पर जो इंस्टॉलेशन का काम है वो कर दिया गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल लगाए जाने इसका काम कर दिया गया। ये देखो ये बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत बड़ा, मतलब हम आप जो रेगुलर ट्रांसफार्मर देखते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा बड़ा है ये। यहाँ पर जो इंजन है वो बड़ा होने वाला है तो उसको पावर भी ज़्यादा चाहिए, और इसी वजह से इतने हेवी इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि पावर सप्लाई दी जा सके। अब आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ, तो 2 ट्रैक यहाँ से देखने में मिलेगा, और इसके बाद अब यहाँ से इसके आगे से आपको तकरीबन 4 ट्रैक देखने को मिलते हैं। चेंज ओवर जो आगे आपको मशीनरी दिख रही है वहाँ से ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, और ऐसे ही ट्रैक चेंज करके आप मेन लाइन से सर्विस लाइन पे आ सकते हो। आप जो ट्रैक दिए गए हैं 2 दिए गए हैं मेन लाइन के लिए यानी कि एक अप के लिए एक डाउन के लिए, और 2 दिए गए हैं सर्विस लाइन जी, ये यहाँ से सर्विस लाइन है ये मेन लाइन। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि ज़मीन से जो एक्चुअल जो सरफेस है उससे बहुत ऊपर ये ट्रैक बनाया गया है, और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि भाई आप न्यू इंडिया के न्यू इंजीनियरिंग का आप कमाल यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि अक्सर जितने भी पुरानी ट्रैक डले हुए हैं उन पे क्या होता है कि जहाँ पर ऐसा रोड होता है तो वहाँ पर सिग्नल सिस्टम लगाया जाता है और फिर जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो आपको वेट करना पड़ता है। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है,
ट्रेन भी अपने रफ्तार से आगे की तरफ जा सकती है और ये जो गाड़ियाँ हैं ये भी जा सकती है, किसी को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रैक को इतना ऊपर बनाने का एक फ़ायदा ये भी है, तो इस पर आपको ये न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगा कि ट्रैक जो है वो पानी में डूब गया या बह गया, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर है। और दूसरा आसपास जो लोग हैं उनको भी स्लो डाउन में नहीं फंसना पड़ेगा। और तीसरा, इसके ऊपर यानी कि इतना ऊंचा है तो इसके ऊपर जो जंगली जानवर है वो भी बहुत ही कम आएंगे। जहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे रोड्स हैं या बड़े रोड्स भी हैं तो आपको व्हीकल अंडर पास देखने को मिलेगा या आपको ब्रिज देखने को मिलेगा, ताकि ना तो ट्रेन को कभी रुकना पड़े और ना ही जो लोग हैं जो गाड़ियाँ हैं उनको कभी रुकना पड़े। यहाँ से 1 किलोमीटर पर है स्टेशन, वो देखो जूम करके दिखाता हूँ, वो वाला देख रहे हो वो जो कंक्रीट का हिस्सा है वो स्टेशन का है। तो भाई वहाँ तक अभी मैं वॉक करके जाने वाला हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ काम किया जा रहा है। तो चलो, ये पोल अगर आपको टेढ़ा दिख रहा है तो इसके अंदर जो कंक्रीट का मसाला है वो अभी नहीं डाला गया है। तो क्या कर रहे हैं, ये जो पोल खड़ा कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि पहले 5 फीट गड्ढा कर रहे हैं, उसके आसपास रिंग डाला जा रहा है कंक्रीट का, और फिर इस पोल को उस रिंग के अंदर डाल दिया जा रहा है। इसके अलाइनमेंट को चेक करने के बाद इसके आसपास कंक्रीट का मसाला डाल दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि स्ट्रांगनेस मिल जाती है। वाह भाई, पूरा एकदम स्ट्रांग काम। ये देखो, अब यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से काम किया है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से बन चुका है, तो यहाँ पर आपको लगेगा भी नहीं कि इन्होंने पहले कंक्रीट का एक रिंग डाला है, उसके बाद कंक्रीट का मसाला डाला और फिर जाकर ये जो खंभे हैं इलेक्ट्रिसिटी के इनको खड़ा किया गया है। इस तरफ का ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, इस तरफ हम और आप जाएंगे तो जा सकते हैं रेवाड़ी की तरफ, जहाँ तक ये बनाया जाना है। क्योंकि ये जो पूरा 1500 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है ना, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसमें 670 किलोमीटर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, सिर्फ 830 किलोमीटर पे ही काम किया जाना है जी। और ये जो दादरी और रेवाड़ी का जो हिस्सा है इसके ऊपर इस वक्त पर काम किया जा रहा। सामने ये जो मशीन देख रहे हो, इसी मशीन की मदद से यहाँ पर ये जो बेल्ट करते हैं ना, पटरियों को आपस में जोड़ते हैं, उसका काम किया जाता है। ये देखिए, अब इस मशीन के जरिए पहले इसका अलाइनमेंट सेट किया जाएगा और फिर इसे बेल्ट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, तो इसलिए हमें और आपको 3 मिनट तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर हमें और आपको वो नज़ारा दिखने वाला है जो हम और आप इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे। इन पटरियों को जॉइंट कर लिया जाएगा और फिर ये मशीन आगे की तरफ जाएगी और ये जो बाद बाकी हिस्से हैं इनको भी जॉइंट करने का काम करेगी ओलेन LP। इन पटरियों को ज्वाइंट करने का काम कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए, और इसकी फिनिशिंग का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि बहुत ही गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इन पटरियों को यहाँ पर ज्वाइंट किया गया है। ज़रा देखिए,
क्या कमाल का काम किया है। स्टेशन का स्ट्रक्चर जैसे आप जनरल रेलवे स्टेशन देखते हैं उसके मुकाबले बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसेंजर तो आने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडियन रेलवे की टीम रहने वाली है। और इसी वजह से स्टेशन आपको बड़ा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर का कोई आना जाना तो रहेगा नहीं, तो पैसेंजर का कोई लोड है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे की टीम ही हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिग्नल सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है, इनफैक्ट इंस्टॉल तो कर लिया गया है। इसके अंदर अब बल्ब लगाने का जो काम है वो किया जाएगा। इस तरह भी ये सिग्नल सिस्टम लगाया गया है, यहाँ पर भी ये लगाया गया है। और इस जगह पर आओ तो टिपिकल इंडियन रेलवे की फीलिंग आती है। टिपिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ मतलब स्ट्रांगनेस, जितनी भी चीज़ें अगर आप देखोगे यहाँ पर इतनी स्ट्रांग है कि आप बोलोगे कि वाह यार। ये पटरियाँ भी अगर आप देखोगे तो जनरल जो पटरियाँ आप देखते हो उससे तकरीबन दो गुना मोटा है। ये पहली बार इंडियन रेलवे बना रही है, और इंडियन रेलवे जब भी कोई काम करती है उसका काम आपको पता है मतलब बहुत ही स्ट्रांग होता है। वैसे इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था चार लाइन आपको देखने को मिलेगी, 1, 2, 3 और 4 जी, 4 ट्रैक, 2 मेन लाइन है और 2 सर्विस लाइन है। वाह भाई, और सामने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेशन। वैसे आप जो ये ट्रेन देख रहे हो ना ये LNT की खुद की ट्रेन है भाई, क्योंकि इन्होंने इसलिए रखा है इसे ताकि इसकी मदद से इसके ऊपर ये जो ब्लास्टर डालने का काम है वो किया जा सके। ये 4 व्हील आपको दिख रहे होंगे, तो इसको यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं, और जैसे ही इसको ओपन करेंगे उसके बाद इस ट्रेन से ब्लास्टर यानी कि ये जो पत्थर है इन पटरियों के ऊपर ऑटोमेटिकली डलना शुरू हो जाता है। ट्रेन आगे की तरफ जाती रहती है, यहाँ पर टीम बैठी होती है जिसका काम इन हैंडलों को कंट्रोल करना है। 2 मेंबर होते हैं और इन दोनों के हाथ में ये जो दोनों साइड आप व्हील देख रहे हो इनका कंट्रोल होता है, और फिर ये लोग इसको कंट्रोल करके ये जो पत्थर है इनको पटरियों पर डालने का काम करते हैं। आगे स्टेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि उसके बाद सिर्फ हमें और आपको 2 ट्रैक देखने को मिलेगा, 1 अप के लिए 1 डाउन के लिए। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं वो आपको दूसरे डिज़ाइन के देखने को मिलेंगे जी। आगे वाला T-shape का देखने को मिलेगा आपको, ये जो आप देख रहे हो इधर, उससे पहले जहाँ स्टेशन का हिस्सा है ये U-shape का आपको देखने को मिलेगा। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।